हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से लास्ट मंथ का। ये मैंने शूट करके रखा हुआ था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था शेयर करने का, सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैं बीच पे गई थी बॉर्नमथ बीच, उसी से दो दिन पहले हम लोग कैम्ब्रिज सिटी भी गए थे, वन डे ट्रिप फ्रॉम लंडन। मैंने बीच वाला व्लॉग तो शेयर कर दिया था पर ये सोचा चले आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा बॉर्नमथ बीच वाला नहीं देखा है व्लॉग तो प्लीज़ जाके ज़रूर चैनल पे देखिएगा, उसका लिंक मेंशन हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। बहुत अच्छा व्लॉग है वो भी, बहुत मेहनत से मैंने बनाया था, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और अब हम लोग आ गए थे अपने मेन स्टेशन, आई थिंक ये लिवरपूल स्टेशन था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ से हमने वो जो इंटरसिटी ट्रेन है वो लेनी थी। और देखें जी, पिजन तो यहाँ पर हर जगह ही घूमते फिरते रहते हैं मज़े से। आधा घंटा और वेट करना है अभी। बच्चे की जान बचाई हमने, बच्चे की जान बचाई बात है। बच्चे के साथ ऑलरेडी थी वो एक आंटी, हमने बस सिर्फ बेवकूफ़ी में अपना स्टेशन मिस किया और अब हम यहाँ आधे घंटे तक वेट करेंगे। कहाँ है? हमारा प्लेटफॉर्म है नंबर टू। फिर मैं यहाँ पर शॉपिंग कर लूँ? कहाँ? मतलब विंडो शॉपिंग। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, दुनिया ना। नहीं, वॉशरूम किधर है? ठीक है, मैं फिर इन शॉप्स पे हूँ। ठीक है, फोन करिए। ओके, चल ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये कोई शॉप, ओलिवर बनाज। ओ वाओ, सो क्यूट। अच्छा, प्रिटी स्कार्फ सेल पे भी है। नहीं, कहाँ गया ये रहा? ये दिस इज सो प्रिटी। क्यों लिवरपूल सर्कल लाइन में ही वापस चलते किंग्स क्रॉस। मैं अभी चीज़ें ही देख रही थी कि हस्बैंड ने प्लान चेंज कर दिया। हम जिस स्टेशन पे थे वहाँ हमें 30 मिनट्स वेट करना था, फिर हमें कैम्ब्रिज की ट्रेन मिलती। हस्बैंड ने बोला इससे ज़्यादा जल्दी अगर अभी हम यहाँ से एक और ट्रेन ले लें और इसके नेक्स्ट स्टेशन चले जाएं तो वहाँ से हमें वो ट्रेन ईजिली मिल जाएगी अभी ही फ़ौरन। तो मुझे भी वो चीज़ समझ आई क्योंकि 30 मिनट्स वेट करना मुझे सही नहीं लग रहा था। खैर, हम अपने स्टेशन पर आ गए थे और फिर उसके बाद मैं गई स्टारबक्स, क्योंकि स्टारबक्स पर मुझे पीनी थी कॉफ़ी। थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी शूट कर लिया था, आप लोग देख लें। और यहाँ का जो स्टारबक्स था उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यूजली छोटे छोटे स्टारबक्स ही दिखते हैं मुझे अंडर अनलेस आप सेंट्रल लंदन में हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि आई थिंक ये मेन स्टेशन है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थीं। ये सैंडविचेस थे बट ऑब्वियसली सैंडविचेस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम होता है हलाल मीट का। बट हाँ, अगर कोई खा सकता है तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे इनके स्मूदीज़ और जूसेस भी थे और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, ये टर्मरिक शॉट था, हल्दी शॉट। और इससे मुझे पता चला कि जो हल्दी है वो विटामिन सी की सोर्स है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। कॉफ़ी लेके हम लोग आ गए थे अपनी ट्रेन में और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अभी तो कैम्ब्रिज आए भी नहीं। कितनी दूर है कैम्ब्रिज में? 26 हो रहा है इस वक्त। बुरे लग रहे हैं वैसे रोशनी। ओह शिट, मैं तो इतनी बुरी लग रही हूँ, लाइक मूर वाला हाथ। बस यार, अभी बुरा नहीं किया मैंने। ठंडा भी है, हंसेंगे लोग।
ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती, एक दूसरे को रोस्ट करते करते हमारी जर्नी निकल जाती है जब भी हम कहीं जाते हैं। और मुझे ट्रेन जर्नीज अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं, पहले तो मुझे नहीं लगती थी। मे बी अब ट्रेन की बात है, यहाँ की ट्रेन्स काफ़ी कम्फर्टेबल होती हैं, मज़ा आता है। एंड फाइनली वी आर एट कैम्ब्रिज, काफ़ी डिफरेंट है लंदन से, बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत सॉर्टेड है, बहुत नीट एंड क्लीन है, एंड क्राउड बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे सारे अंग्रेज नज़र आ रहे हैं, ब्रिटिश यहाँ पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू देसीज या अदर। है तो खूबसूरत वैसे, इतना पीसफुल है। घर है कितना पुराना, साइकिल्स हैं तो हाँ, देखो कितनी कूल साइकिल है, आगे वो लगी हुई है बास्केट, पढ़े लिखोगा तो फिर तो पढ़े लिखोगा शहर तो इससे हमारा क्या लेना देना फिर। अच्छा कैम्ब्रिज है तो मतलब क्या, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो है, तो मतलब उन्होंने पूरे अपने सिटी का, सिटी है ना ये, यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने अपने पूरे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इन्होंने अपने पूरे टाउन की वाइब ही ऐसी रखी हुई है, पढ़े लिखे लोग। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, और वो यहाँ पे फेमस है, क्या कहते हैं, पंटिंग कहते हैं, बट इन शॉर्ट इट्स अ बोटिंग रिवर कैम्प, उसमें बोटिंग होगी, हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी का विज़िट करेंगे, उसको हम बाय वॉक जा रहे हैं, 30 मिनट्स की वॉक है, तो हम एक्सप्लोर करते हुए सिटी को जा रहे हैं, 30 मिनट की वॉक तो कर ही लेंगे। सिटी को एक्सप्लोर करते करते मुझे बीच में ये एक चर्च दिखा था, और ये आई थिंक बहुत पुराना चर्च है, ये मुझे इतना स्कैरी लग रहा था जैसे हॉरर मूवीज़ में घर या चर्च दिखाते हैं, मुझे काफ़ी स्कैरी लग रहा था। मैंने सोचा इसको भी शूट करके आप लोगों से दिखाऊं। कैम्ब्रिज बहुत छोटा सा एक सिटी है, और बहुत ही अलग सी इसकी वाइब थी, छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। ये हम वॉक करते करते वी एक्सप्लोर्ड समथिंग, ये लोग ना लंदन आए का वो बनाते हैं हर जगह, या शुक्र है थोड़ी बहुत हवा चल रही है। यार आपने इतने चड्डे लेके रखे हैं, क्यों नहीं पहनते हो वो, तो यही सोच के रखे। बता दो मैंने क्या क्या लिया होगा वीडियो में, तो चड्डों में क्या बुरी बात है, हैं पहनते नहीं हो शॉर्ट्स, ओके शॉर्ट्स जो इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेके रखे हुए हैं। सिटी एक्सप्लोर करते करते हम आ गए थे यहाँ के एक बड़े मॉल में, आई थिंक ये एक ही मॉल है वहाँ पे, आई डोंट नो, मैंने जितना एक्सप्लोर किया कैम्ब्रिज मुझे एक ही मॉल दिखा वहाँ पे। अगर कोई कैम्ब्रिज गया है या कैम्ब्रिज से बिलोंग करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और काफ़ी अच्छा मॉल था। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी, किसी आर्टिस्ट ने सारे जितने भी ये वेस्ट मटेरियल होता है उससे इतना प्यारा एक एक्वेरियम बनाया था, बहुत खूबसूरत था। ये जो वीडियो है वो जस्टिस नहीं कर रही है इससे। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि ये पूरे वेस्ट से बनाया हुआ था, सो इट वॉज़ अ गुड लेसन। मॉल से हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए थे, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया था, और फिर आ गए थे हम लोग अपने मेन एडवेंचर के लिए जिसके लिए हम यहाँ कैम्ब्रिज आए थे, पंटिंग इन रिवर कैंप। और हमने यहाँ पे ऑनलाइन इसके लिए टिकट्स बुक कर लिए थे, यहाँ बहुत लंबी लाइन थी, मोस्टली टूरिस्ट जो थे वो यहीं पर आए हुए थे।
अच्छा, यहाँ पंटिंग के लिए जितने भी वॉलंटियर्स या जितने भी लड़के लड़कियाँ थे वो सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे और अपने समर प्रोग्राम में यहाँ पर जॉब्स कर रहे थे। बहुत अच्छा वो पूरा टूर दे रहे थे हमें, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी ट्रिप थी, लाइक शायद 45 to 50 मिनट्स हम लोगों ने बोटिंग की थी और बहुत पीसफुल, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना पीसफुल था और चारों तरफ सारा ओल्ड हेरिटेज, इतना खूबसूरत रिवर का ठंडा ठंडा पानी, साथ में चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत मज़े का व्यू था। और जगह जगह ना लोग ऐसे बैठे हुए थे, जैसे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे एक जगह पे स्टूडेंट्स हमने देखे थे, वो शायद कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन के बाहर का एरिया था, सारे स्टूडेंट्स चिल कर रहे थे। बहुत पीसफुल है कैम्ब्रिज। पंटिंग करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए, और ये एक थाई फाइन डाइन रेस्टोरेंट था। हमने यहाँ पे लंच किया, हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने हमें लंच के लिए ज्वाइन किया था। बहुत खूबसूरत वेन्यू था, डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई थी, फूड भी बहुत मज़े का था। मैंने थाई फूड पहली बार ट्राई किया मगर मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, ऑथेंटिक थाई फूड। वैसे तो थाई फूड हम जो अपनी वेरिएशन के साथ बनाते हैं वो खाते ही रहते हैं, मगर ये वाकई बहुत मज़े का था। और सबसे ज़्यादा मज़े का ये एक कोकोनट ड्रिंक था इनका, ये बहुत रिफ्रेशिंग था। लंच करते ही फिर हम लोग चले गए थे कैम्ब्रिज में, एक बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ पे, और ये उस मस्जिद का वुजू खाना है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं शूट किया मस्जिद में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, बहुत पीसफुल, इतना प्यारा इंटीरियर था इसका अंदर का, बहुत मज़ा आया। असर की नमाज हमने यहाँ पे अदा की थी, उसके बाद हम 10-15 मिनट बैठे भी रहे थे यहाँ पे। और ये काफ़ी फेमस मस्जिद है कैम्ब्रिज की, मॉस्क, और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। फिर यहाँ से हम चले गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने के लिए, वहाँ का भी अंदर का टिकट है वो हमने लिए और फिर हमने उसको एक्सप्लोर किया। यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये एक बहुत पुराना कोई चर्च था, हमने इसको भी फिर एक्सप्लोर किया और हमारा आज का दिन यहीं तक था। यहाँ से फ्री होने के बाद फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग बस जल्दी जल्दी में अपनी ट्रेन के लिए चले गए थे। लेकिन ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने देखी, जो जो कैम्ब्रिज में फेमस था वो हमने ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिया था। मुझे तो कैम्ब्रिज घूम के बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी आया होगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम मैं शूट कर सकती थी मैंने किया, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।